बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इन्फिनिट स्ट्रोम। इस कहानी की शुरुआत में घर में एक लड़की को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से अकेली होती है। इस लड़की का नाम पैम है और पैम को रेडियो से पता चलता है कि बहुत जल्दी इनके इलाके में तूफान आने वाला है। पैम के घर में कुछ बच्चों की फोटोज भी दिखती है जिससे पता चलता है कि वो हमेशा से अकेली नहीं थी। हालांकि पैम को पता है कि तूफान आने वाला है लेकिन इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज उसे किसी खास जगह जाना है। उसका दोस्त उसे कहता भी है कि तूफान आने वाला है लेकिन फिर भी पैम अपनी गाड़ी लेकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ती है और बहुत जल्दी वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर दो गाड़ियां पहले से खड़ी होती है। पैम जब एक गाड़ी के पास जाती है तो उसमें एक कपल होता है जो बताता है कि हम दो दिन की हाइकिंग करके अब वापस घर जा रहे हैं। पैम उनसे दूसरी गाड़ी के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि हमें नहीं पता कि ये गाड़ी किसकी है और ना ही हमने ऊपर किसी को देखा था। इसके बाद वो कपल इस जगह से निकल जाता है। सुबह के 6:50 हो रहे होते हैं और पैम अब हाइकिंग के लिए निकल पड़ती है और जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है जिससे उसकी एक स्टिक भी टूट जाती है। इसके बाद पैम अपनी स्टिक को टेप से फिक्स करती है और एक बार फिर से अपने आगे के सफर पर बढ़ चलती है। अब यहाँ पर तूफान भी आना शुरू हो गया होता है लेकिन पैम लगातार आगे बढ़ती चली जाती है और कई घंटों की हाइकिंग करने के बाद वो एक जगह कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुक जाती है। वो वहां पर कॉफी भी पीती है और देखती है कि तूफान अब उसी की तरफ बढ़ रहा है। हवाएं धीरे धीरे तेज होना शुरू हो जाती है। पैम एक पत्थर के सहारे कुछ देर आराम करती है और जब उसे लगता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए तो वो एक बार फिर से आगे बढ़ जाती है। हालांकि उसको पता है कि उसका यह सफर बहुत खतरनाक होने वाला है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती और तभी उसे वहां किसी के पैरों के निशान दिखते हैं जिसके बाद वो सीटी बजाना शुरू कर देती है ताकि अगर कोई फंसा हुआ हो, किसी को मदद की जरूरत हो तो वो उसे आवाज देकर बुला ले। लेकिन उसे कोई भी आवाज कोई भी सिग्नल नहीं मिलता और वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है और अचानक से उसका पैर एक गड्ढे पर पड़ जाता है जिसके बाद वो गड्ढे के अंदर गिर जाती है। दरअसल बर्फ गिरने की वजह से उसे गड्ढा नहीं दिखा होता और अब वो कोशिश करती है उस गड्ढे से बाहर निकलने की। वो गड्ढे के ऊपर तक आ भी जाती है लेकिन एक बार फिर से गड्ढे के अंदर गिर कर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो इस गड्ढे से कैसे निकलेगी। वो मदद के लिए सीटी भी बजाती है लेकिन आसपास कोई ना होने की वजह से कोई भी उस तक नहीं पहुंचता और अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे इस गड्ढे से कैसे निकलना चाहिए। और तभी उसे विजन्स आते हैं जिसमें वो दो छोटी बच्चियों को देखती है। वही छोटी बच्चियां होती है जिनकी फोटोज उसके घर पर भी थी और अब पैम के अंदर एक हिम्मत आती है और वो पूरी कोशिश करके उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। लेकिन गड्ढे से निकलने की मशक्कत में वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसे बहुत प्यास लगी होती है लेकिन अब उसका पानी भी खत्म हो चुका है। पैम सबसे पहले उस गड्ढे को लकड़ियों से ढक देती है ताकि कोई और उस गड्ढे में ना गिरे और अब वो आगे बढ़ती है और तभी उसे ऊपर एक आदमी दिखता है जो बैठा हुआ होता है। पैम किसी तरह से उस तक पहुंच जाती है। वो उसे कई सवाल पूछती है लेकिन वो आदमी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। पैम सबसे पहले उसके जूते उतारती है क्योंकि उसके पैर अब जमने वाले थे। वो उसके पैरों पर मालिश करके उसके पैरों में थोड़ी सी गर्मी लाती है और इसके बाद सॉक्स पहनाकर उसे एक बार फिर से जूते पहना देती है। पैम के पास जितने भी गर्म कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं वो सब के सब इस आदमी को पहनाकर अपने साथ आगे के सफर पर ले चलती है। लेकिन इस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि इसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। ये चाहकर भी सीधा नहीं चल पा रहा होता। पैम इसे वापस नीचे ले जा रही होती है ताकि इसकी जान बचाई जा सके लेकिन शायद हाइपोथर्मिया की वजह से इसके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पैम को इसका नाम भी नहीं पता होता इसीलिए वो इसका नाम जॉन रख देती है और वो जॉन को धीरे धीरे आगे अपने साथ बढ़ाती है। पर बहुत देर तक चलने के बाद भी ये तूफान की वजह से बहुत लंबा सफर तय नहीं कर पाते और तभी पैम अपने पीछे देखती है कि वहां पर जॉन नहीं है। वो देखती है कि वो एक चट्टान के ऊपर से नीचे कूद गया है। पैम भागकर उस जगह जाती है लेकिन वो देखती है कि वो चट्टान नहीं थी बल्कि एक पत्थर था और नीचे गिरने की वजह से जॉन के पैर में अब पहले से भी ज्यादा चोट लग गई होती है। पैम अब फैसला करती है कि वो जॉन के साथ कुछ देर रेस्ट करेगी लेकिन जॉन बहुत ज्यादा भूखा होता है इसीलिए बर्फ खाना शुरू कर देता है। पर पैम उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ज्यादा बर्फ खाने से उसकी बॉडी और भी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी जिससे उसकी जान जा सकती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद पैम जॉन को लेकर आगे बढ़ती है और बहुत देर नीचे उतरने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। पैम
भी अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और तभी वो देखती है कि जॉन का पैर स्लिप हो गया और वो नीचे लुढ़कना शुरू कर देता है, जिसके बाद पैम भी नीचे लुढ़कना शुरू कर देती है और ये दोनों के दोनों नीचे आकर गिर जाते हैं। ये दोनों के दोनों थके हुए, इन दोनों को भूख लगी, ये दोनों प्यासे हैं और अब इनकी हिम्मत भी जवाब दे रही है। लेकिन पैम फिर भी हिम्मत नहीं हारती और वो जॉन को भी हिम्मत देती और कहती है कि हम वापस सुरक्षित जरूर पहुंचेंगे। जॉन उसकी बात नहीं सुनना चाहता, वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। दरअसल जॉन ऊपर अपनी जान देने के लिए गया था, लेकिन पैम ने उसे बचा लिया और पैम उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। इसीलिए वो उसे खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। और अब बहुत जल्दी रात होने वाली है और रात होने का मतलब है कि यहाँ पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए किसी भी तरह से सुरक्षित जगह तक पहुँचना चाहते हैं। और अब ये लगातार चलते हुए एक नदी के किनारे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पैम एक लकड़ी के ऊपर से क्रॉल करती हुई नदी को पार कर देती है। और अब जॉन की बारी आती है। जॉन धीरे धीरे लकड़ी के ऊपर से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी हालत खराब होने की वजह से वो नदी में पानी में गिर जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है और कुछ ही पलों में वो पैम की नजरों से ओझल हो जाता है। पैम जॉन के पानी में बहने से बहुत ज्यादा दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दरअसल सच में वो जॉन की जान बचाना चाहती थी, पर अब वो जॉन की जान नहीं बचा पाई और अब वो खुद ही आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और तभी वो देखती है कि पानी के बहाव ने नदी के किनारे जॉन को फेंक दिया है। वो भागती हुई जॉन के पास जाती है। वो देखती है कि जॉन अब भी जिंदा है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। वो जॉन को एक थप्पड़ भी मारती है और कहती है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं होगा। और अब जॉन के अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से उसने पैम के अंदर उसे बचाने का जज्बा देखा था, अब वो भी तय करता है कि वो भी सुरक्षित नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन अब रात भी हो चुकी है, पर ये रात होने पर भी नहीं रुकते और लगातार नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर चलने के बाद ये सड़क के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये गाड़ी को जाते हुए देखते हैं। ये उसे आवाज भी लगाते हैं, लेकिन गाड़ी वाला इनकी आवाज नहीं सुनता। इस बात से जॉन को बहुत गुस्सा आता है, पर पैम और जॉन अब किसी भी तरह से अपनी गाड़ियों तक पहुंचना चाहते हैं और लगातार चलते चलते ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी गाड़ियां हैं। ये दोनों इस जगह पहुंचकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इन्होंने मौत को शिकस्त देकर अपनी मंजिल को पा लिया है। पैम जॉन से कहती है कि मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके तुम्हारे पास लाती हूं। और जब वो अपनी गाड़ी के पास जाती है, तभी वो देखती है कि जॉन अपनी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करके यहां से निकल गया। पैम को ये बात बहुत अजीब लगती है कि एक इंसान जिसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो उसे थैंक्स की बिना ही यहां से चला गया। और ना ही पैम को उसका असली नाम पता है। पैम वापस अपने घर आ जाती है, जहां कर वो बहुत ज्यादा रोती है। पैम के दिल में कोई ना कोई ऐसा दर्द है जो आज भी उसे दर्द दे रहा है। पैम इसके बाद सो जाती है और आधी रात को उसकी आंख खुल जाती है, उसका दम घुट रहा होता है। और जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों बच्चियों की दम घुटने से मौत हो गई है। दरअसल गैस लीक हो गई होती है, जिस वजह से उसकी दोनों बच्चियों की मृत्यु हो गई थी। ये पैम का एक सपना होता है, जो कि उसकी जिंदगी की सच्ची घटना है, जो आज से ठीक एक साल पहले घटी थी। दरअसल एक साल पहले उसकी दोनों बच्चियों की गैस लीक होने की वजह से दम घुटकर मृत्यु हो गई थी। और यही वो दर्द होता है जो पैम के दिल में आज भी होता है। और ये घटना आज से एक दिन पहले घटी थी, यानी कि जब वो ट्रैकिंग पर गई थी। और यही एक कारण होता है कि वो जॉन को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देना चाहती थी। हालांकि जॉन खुद अपनी जान देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने उसकी जान बचाई। अब पैम की आंखें खुल जाती है और अगले दिन वो देखती है कि टीवी में उसी की न्यूज आ रही है। दरअसल जॉन ने सबको बता दिया होता है कि किस तरह से पैम ने उसकी जान बचाई, इसीलिए सब उसे एक हीरो की तरह मान रहे होते हैं। और अब पैम के घर में एक न्यूज रिपोर्टर आता है, लेकिन पैम को इन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। बस वो जॉन के बारे में जानना चाहती है कि वो कौन है और क्यों वो अपनी जान देना चाहता था। अगले दिन जब वो एक कॉफी हाउस में जाती है तो देखती है कि वहां पर जॉन पहले से होता है। दरअसल पैम ने जो उसे कपड़े दिए थे, वो कपड़े वो उसे लौटाना चाहता है। और दरअसल पैम उसके बारे में जानना चाहती है और अब जॉन अपने बारे में उसे बताना शुरू करता है। वो कहता है कि आज से एक साल पहले वो लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता था, वो इसी तरह से बर्फ में कहीं गुम हो गई थी, जिसके बाद उसका कभी कुछ पता नहीं चला और इसीलिए मैं अपनी जान देना चाहता था। पैम भी उसे अपने बारे में बताती है कि एक साल पहले मेरी दोनों बच्चियां गैस लीक होने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी जान बच गई क्योंकि मेरे कमरे की विंडो क्रैक थी।
पैम अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाई, इसीलिए उसके दिल में गिल्ट होता है। इसीलिए जब वो ट्रैकिंग के लिए गई थी और उसने वहां पर एक गाड़ी को देखा था जिस गाड़ी के ओनर का कुछ भी पता नहीं था, तो जानबूझकर तूफान के बाद भी ऊपर चली गई ताकि वो उस इंसान की जान बचा पाए जो ऊपर शायद फंसा हुआ है, क्योंकि वो अपने बच्चों की जान नहीं बचा पाई थी। पर अब उसके दिल में आगे बढ़ने का, जिंदगी को जीने का जज्बा जाग उठा था। इसके बाद उसने 4 बच्चों को गोद लिया और उन्हें पाला। 67 की एज में उसने अपनी जगह को छोड़ दिया और एक पेट्रोल वॉलंटियर बनी और उसने कई लोगों की जान भी बचाई। दरअसल उसकी जिंदगी में एक इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। पर अगले साल उसी दिन दूसरे इंसिडेंट ने, जिसमें उसने जॉन की जान बचाई, उस इंसिडेंट ने उसको जीने का मकसद दिया और उसने अपनी जिंदगी दूसरों को डेडिकेट की, जिसमें उसने जॉन की तरह कई लोगों की मदद की। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म इन्फिनिट स्ट्रोम की। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 5.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।